ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां कल बिजली विभाग द्वारा बिजली बिल में 12 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप में एक अकाउंटेंट और दो कैशियर को निलंबित कर दिया गया है। जब इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को मिली तो उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की और 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जिनमें से 2 महिला कर्मचारी है। वर्तमान में बिजली विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिजली विभाग के SDO श्री हरदीप लाल सिंह ने यह खुलासा करते हुए कहा कि बिजली विभाग में काम करने वाले एक अकाउंटेंट और 2 महिला कैशियर ने विभाग की संबंधित ID के साथ छेड़छाड़ की और बिजली के बिल में 12 लाख रुपए का गबन किया। उच्च अधिकारियों द्वारा शिकायत और जांच के बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और आगे की प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी गयी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। तो वर्ण कुमार के FIR लॉज हुई है लिखता के वालों। 2 कैशियर जोड़े ने सस्पेंड करते गए, एक ने पहलों करता से जो मेरे ध्यान से आया से उदों मैं अपने उद्योग घर के ध्यान से लियाता से तो उन्हें प्रधानमंत्री जी बिठा के ये सारा जरा सर घपला। सूँ कोई इनफोरमेशन बनानी सी, वो इनफोरमेशन जो आप बना लगे तो सूँ थोड़ा जहा मिनट नाल आई अपने घर में नोट होया। फिर आप देखा जो देखा उच्च है उस वे अपने उद्योग घर सूचित करता गया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी बिठा दी गई। तो वर्ण पहलों सस्पेंड करता गया, तो जो 2 कैशियर हैं उन्होंने सर घपला कैश में किया वा सर। वो पटाले कमेटी कैश की कोई ID पैसे पुसे कर देंगे सी, 12 लाख के करीब घपला किया सर। पहलों तो हेड कैशियर वर्ण किया, उस तो बाद 2 कैशियर ने उन्होंने ID से उन्होंने जिंद ID होया, इस करके उन्होंने सस्पेंड करता है। बलविंदर कौर तो नहीं मिल सकते क्योंकि ID उन्होंने यूज हुई उदों सर। वो कैशियर की मतलब कि ID हुई कुछ कर देता सी,